Aw, I am. Yeah? Thank you. What's up guys, welcome back to another vlog. और अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा सिर्फ दो दिन में मैं जा रहा हूँ पेरिस वेरोनिका के साथ सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो फिल्म करने, जो है वेरोनिका और मेरी लव स्टोरी के बारे में. आई थिंक अभी तक मेरे पास हज़ारों कमेंट आ चुके हैं उस वीडियो के बारे में. सो इट्स फाइनली हैपनिंग. हम दो दिन बाद जा रहे हैं पेरिस. तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक डेली स्टाइल व्लॉग बनाऊं यहाँ व्रॉत्सव पोलैंड का, क्योंकि जितनी बार भी मैंने व्लॉग बनाया यहाँ का, दोनों बार यहाँ पर लॉकडाउन था तो कुछ भी खास दिखाने को नहीं था. बट इस वक्त यहाँ पर सब कुछ खुल गया तो बहुत ही लाइवली है सिटी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी दिखाने को आप लोगों को. एंड बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं चैनल से एंड उन्होंने शायद यहाँ की वीडियो ना देखी हो जो मैंने दो वीडियो बनाई है पहले. तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. मैं आपको यहाँ की सारी मेन चीज़ें दिखाऊंगा. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी. एंड उसके बाद शाम को मुझे जाना है वेरोनिका को पिक करने, क्योंकि हमें एक बहुत ही स्पेशल जगह डिनर करने जाना है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आया हूँ एक बार शॉपिंग मॉल. बिल्कुल मेरे सामने ही एक शॉपिंग मॉल है, क्योंकि मुझे वेरोनिका के लिए गिफ्ट लेना है. हमारे दो रीज़न है पेरिस जाने के लिए. एक तो ऑफकोर्स वीडियो फिल्म करनी है, बट दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी एनिवर्सरी है. एंड व्हाट बेटर प्लेस टू सेलिब्रेट योर एनिवर्सरी देन द सिटी ऑफ लव. एंड इसीलिए मुझे वेरोनिका के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेना है. मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं दिखा पाऊंगा कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि ये वीडियो हमारी एनिवर्सरी से पहले अपलोड होगी, तो आई डोंट वॉन्ट वेरोनिका टू नो. बट आपको बाद वाली वीडियोज़ में पता लगेगा. बाय द वे, लुक एट दिस कैनाल ऑन द राइट. इस सिटी को एम्स्टरडैम ऑफ पोलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 से ऊपर ऐसी ब्रिजेस एंड कैनाल्स हैं. तो जिस शॉपिंग मॉल में मुझे जाना है वो है मेरे बिल्कुल लेफ्ट में. इसका नाम है रेनोमा. यहाँ के सबसे पुराने एंड सबसे लग्जरी शॉपिंग मॉल्स में से एक है ये. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ इस एरिया में. थोड़ी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस है यहाँ पर. ये मेन सेंटर से सिर्फ 10 मिनट दूर है ये वाला एरिया जहाँ पर मैं अभी हूँ. तो मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये है यहाँ का ओपरा हाउस. अगर आपने कभी ओपरा अटेंड नहीं किया है अपनी लाइफ में, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू अटेंडिंग ओपरा. ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको मिलेगा यूरोप की. एंड दिस इज़ दी ओपरा हाउस ऑफ व्रॉत्सव पोलैंड. एंड ओपरा हाउस से सिर्फ 2 मिनट दूर है यहाँ का सबसे मेन थिएटर. मैं आपको दिखाता हूँ. एंड मैं सिनेमा की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सारे लाइव शोज होते हैं, जो लाइव एक्ट्स होते हैं, उस थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ. तो वहाँ पर मेरे पीछे एज यू कैन सी है ओपरा हाउस, और सिर्फ 2 मिनट दूर है यहाँ का सबसे मेन थिएटर. एंड आई नो बहुत सारे लोग मास्क के लिए कमेंट करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पोलैंड में अब मास्क पहनना नेसेसरी नहीं है अगर आप ओपन स्पेसेस में हो. सिर्फ क्लोज स्पेसेस में मास्क पहनना ज़रूरी है. अगर आप मॉल में जाओ या फिर किसी दुकान में जाओ, बाहर आपको घूमते हुए मास्क पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है इस वक्त. एंड आई रियली होप इंडिया में भी बहुत जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. ये है वो ब्रांड जहाँ से मुझे वेरोनिका के लिए गिफ्ट लेना है पिन को. वेरोनिका को बैग्स बहुत पसंद है, ये उसकी फेवरेट ब्रांड है. तो यहाँ से अल्बाया बैग. तो गिफ्ट ले लिया वेरोनिका के लिए. अभी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और ली हैं, क्योंकि यहाँ पर जिम अब फाइनली फिर से खुले हैं. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. तो ये है हेल्दी चॉकलेट स्प्रेड, प्रोटीन कुकी और वे प्रोटीन आइसोलेट. दिस इज़ कैपेचिनो फ्लेवर एंड दिस वन इज़ तिरामिसु. एंड अब चलते हैं मार्केट स्क्वायर की तरफ. मैं आपको पूरा मार्केट स्क्वायर दिखाऊंगा, और जो वहाँ पर इस वक्त फेस्टिवल हो रहा है वो भी पूरा दिखाता हूँ. सो फाइनली वी आर इन द सिटी सेंटर. गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल सेंटर में मिल गई. बहुत मुश्किल होता है सेंटर पे पार्किंग मिलना, बट आई थिंक आज मंडे है तो इसलिए थोड़ा इजी था. बट अगर आप संडे को आओ तो बिल्कुल पैक्ड होता है सेंटर, बिल्कुल भी पार्किंग स्पॉट्स नहीं होते यहाँ पे. तो अब मैं आपको यहाँ का पूरा सिटी सेंटर या फिर मार्केट स्क्वायर, यहाँ पर इसे मार्केट स्क्वायर कहते हैं, वो दिखाता हूँ. तो मेरे राइट में यहाँ का टाउन हॉल, सबसे मेन बिल्डिंग पूरी सिटी की. काफ़ी बार मैं आपको दिखा चुका हूँ जितनी बार भी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, कि ये पूरी सिटी की मेन बिल्डिंग है, जो सारे पोस्ट कार्ड्स, सारी सुविनियर्स, हर चीज़ों पे इसी बिल्डिंग की फ़ोटो होती है. ये बिल्डिंग पूरी सिटी को रिप्रेजेंट करती है. सो ये बिल्कुल सेंटर में है यहाँ के मार्केट स्क्वायर पे, और ये है पूरा वो फेस्टिवल जिसकी मैं बात कर रहा था. तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों की स्टॉल लगी होती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल, बहुत सारी खाने पीने की, ज्वेलरी, पोलिश हैंडीक्राफ्ट, एज यू कैन सी चीज़, ब्रेड. पोलैंड में लोग सॉसेज बहुत खाते हैं, तो यहाँ मिल रही है सॉसेज. एंड यहाँ पर मिल रहे हैं कैबेज रोल, कैबेज रोल भी बहुत फेमस है. उसके अलावा यहाँ बियर, वाइन, अगर आपको कुछ भी पीना है, पीवो मीन्स बियर, एज यू कैन सी. अगर आपको बियर लेनी है, कोई भी ड्रिंक लेनी है, यहाँ सारी ड्रिंक्स मिल रही हैं.
इवन कॉकटेल्स भी हैं सारी, जो भी यहाँ की सारी फेमस चीज़ें हैं पोलैंड की वो सारी ये ऐसे स्टॉल्स में लगाते हैं. सो इट्स वेरी नाइस टू कम ड्यूरिंग द डे, एंजॉय सम फूड. अब यहाँ के घोड़ों की मसल देखो. अगर आपको सिटी सेंटर के अराउंड घूमना है तो यहाँ पर ऐसी राइड चलती हैं, आप इन ओल्ड स्टाइल हॉर्स कार्ट में आप अपना टूर ले सकते हो. और आज वेदर बहुत ही प्यारा हुआ है, पिछले एक हफ्ते से डेली बारिश हो रही थी. एंड इवन दो इट्स ऑलमोस्ट जून, यहाँ शाम को टेम्परेचर अराउंड 7 डिग्री है. आई डोंट नो इस साल क्या हो रहा है, बट अभी तक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर्दियाँ ही हैं. वरना अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो इस वक्त अराउंड 25-30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था, बट दिन में भी अराउंड 15 डिग्री है. एंड यहाँ पोलैंड में बियर गार्डन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है. दिन में बहुत ज़्यादा लोग जाके एक या दो बियर वैसे इंजॉय करते हैं. यूजली इवन कंपनी मीटिंग्स भी बियर गार्डन में होती हैं. तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ कल्चर में. दो तीन ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे पोलैंड, चेक, जर्मनी, जहाँ ये इतनी ज़्यादा बियर पीते हैं. पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक सबसे ज़्यादा जाना जाता है बियर के लिए. चेक में तो इवन सबसे पहले जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो पानी से भी पहले वो आपको बियर सर्व करते हैं. एंड ये है यहाँ का फेमस फाउंटेन जो समर में चलता है. सर्दियों में मैंने आपको दिखाया था बट उस वक्त बंद था. सर्दियों में ये लोग बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है तो पानी जम जाएगा. तो इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ के फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं. एंड समर्स में यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है. बहुत सारे स्ट्रीट म्यूजिशियंस, कोई गिटार बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है. मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, एक अंकल गिटार बजा रहे हैं. एज यू कैन सी बहुत ही लाइवली माहौल है इस वक्त. जैसे हमारे इंडिया में मेला होता है बिल्कुल उसी टाइप का ये फेस्टिवल होता है यहाँ पर. और लेफ्ट में है हार्ड रॉक कैफ़े. हार्ड रॉक कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको हर सिटी में मिलेगा यूरोप की. उसके अलावा आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यहाँ का, कितनी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं. एंड ये व्रॉत्सोव जहाँ मैं रहता हूँ ये उन सिटीज़ में से है जो पहले जर्मनी का पार्ट था. एंड इस सिटी का नाम था ब्रेस्लाव, बट हमेशा से ये पोलैंड की सिटी होती थी बट जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर ली थी तो इस सिटी का नाम ब्रेस्लाव हो गया था. बट जब पोलैंड ने वापस लिया तो इसका नाम चेंज करके व्रॉत्सोव कर दिया. तो मेन यहाँ सिटी सेंटर पे सारे रेस्टोरेंट क्लब्स, बार्स, नाइट क्लब्स, स्ट्रिप क्लब्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. यहाँ पर आपको सेंटर पे 200 से ज़्यादा बार मिलेंगे, इतने सारे बार्स हैं यहाँ पर. क्योंकि यूरोप में बार एंड पब का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली यहाँ पोलैंड में. हर वीकेंड पे ये सेंटर पूरा पैक्ड होता है, आपको एक बार में जगह भी मुश्किल से मिलेगी. एंड पेरिस से वापस आने के बाद मैं यहाँ की नाइट लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पर क्लब्स, बार्स, रात को क्या सीन होता है, कैसी नाइट लाइफ है. क्योंकि बहुत ही अच्छी नाइट लाइफ है यहाँ व्रॉत्सोव की, तो उसके ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा वापस आने के बाद. और ये है यहाँ की फ्लावर मार्केट सिटी सेंटर की. और मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ आया ही हूँ तो वेरोनिका के लिए फ्लावर्स ले लूँ, क्योंकि मुझे शाम को वेरोनिका को पिक करना है डिनर के लिए. ये सारे फ्लावर अवेलेबल हैं, मोस्टली रोजेज हैं. एंड आई टुक 2 रेड रोजेज, द बिग वंस. दिस इज द मेन्यू फॉर बियर्स. ओके, आई विल हैव दिस बियर एंड टू ईट. I will have pretzel with Bavarian cheese. Okay. Thank you so much. Thank you. इतने सारे लोग बियर पी रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बियर गार्डन्स कैसे लगते हैं. सब दिन में आके बियर इंजॉय करते हैं. तो मैंने भी यहाँ की एक ट्रेडिशनल बियर ऑर्डर करी है. और एक ट्रेडिशनल डिश यहाँ पर पोलैंड में प्रेट्ज़ल बहुत खाते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रेट्ज़ल क्या होते हैं. थैंक यू. बियर फाइनली आ गई है, टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी है. गर्मी में चिल्ड बियर पीने का मज़ा ही अलग होता है. इतनी गर्मी तो नहीं है बट फिर भी बियर पीने के लिए आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए. यहाँ पर बहुत ही लाइट टेस्ट होता है यहाँ पर बियर का. आपको अल्कोहल फील भी नहीं होगी कि यहाँ पर अल्कोहल है, क्योंकि ये सिर्फ 3-4% अल्कोहल होती है यहाँ ब्रूरीज़ की. फ्रेशली ब्रूड बियर, ये बॉटल बियर नहीं होती, यहाँ की खुद की इनकी फ्रेश ब्रूरीज़ होती है जहाँ पर ये बियर ब्रू होती है. थैंक यू. सो ये है प्रेट्ज़ल, अगर आपको नहीं पता तो इट्स लाइक अ सॉल्टी ब्रेड, बहुत ही टेस्टी फ्रेश ब्रेड होती है. और साथ में बवेरियन चीज़. पोलैंड की एक और सिटी है जिसका नाम है तोरुन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है प्रेट्ज़ल. मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ. सीरियसली मुझे यूरोप की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर फ्रेश ब्रेड का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको हर जगह फ्रेश ब्रेड मिलेगी. लंच इज़ डन. काफ़ी टेस्टी था प्रेट्ज़ल एंड बियर, दोनों ही चीज़ें. एंड अब मैं जा रहा हूँ वापस गाड़ी की तरफ क्योंकि मुझे जाना है घर. जैसा मैं आपको बता रहा था, आप हॉर्स का टूर ले सकते हो पूरी सिटी सेंटर का. Oh,
Hello. Hello. Oh, what is that? Oh, these are just parcels I have to send on the way. Excited for dinner? Yeah. Where are we going? We are going to Pizza C. Oh, that's perfect. You like Pizza C, right? I was craving Italian pizza. Yeah. तो हम उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था पिज्जा सी है इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट बट सिर्फ पिज्जा मिलता है तो अगर आप कभी बाय चांस यहाँ व्रॉत्सव सिटी में आओ यहाँ पोलैंड में सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक दैट प्लेस आउट हम जहाँ रहते हैं सिटी में यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है सेंटर तक की क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मोस्टली सेंटर में होते हैं और ये है यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया एंड एक क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं जिस भी कंट्री जाता हूँ वहाँ गाड़ी कैसे चलाता हूँ ईजिली विच लाइसेंस डू आई हैव तो मेरे पास यहाँ पोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है एंड पोलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस की खास बात यह है कि इट गिव्स यू एक्सेस टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री मुझे कहीं भी और किसी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता मैं पोलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस पे वहाँ गाड़ी चला सकता हूँ एंड वो जो बिल्डिंग है वो यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है इट्स कॉल्ड द स्काई टावर मैंने एक वीडियो में दिखाया था अपनी Veronica, yeah. And I have something for you. What? I'll give it to you. You'll be surprised. Oh, I am. Yeah? Thank you. I got you. Wait, wait, why didn't you put them in the water? Oh my God, they look horrible now. Because you didn't put them in the water. You don't know you have to put flowers in the water. When did you get them? From the market square in the morning. In the morning, and you left them in the car like that? Look how sad they are. Okay, we'll put it. But I appreciate the gesture. Okay, so we'll put them in water. Now let's go and eat pizza. So मुझे कोई आइडिया नहीं था कि roses को आपको पानी में रखना होता Okay. I had no idea that flowers need water. And मैं आपको एक बहुत ही interesting चीज़ दिखाता हूँ अभी time हुआ है as you can see almost 8 बज गए हैं And इस वक्त भी proper sunset नहीं हुआ है यहाँ पर 9 बजे तक sunlight रहती है बहुत सारे लोग surprise होंगे सुन के बट यहाँ पोलैंड में 9-10 बजे तक धूप रहती है समर्स में और सर्दियों में 3 बजे ही रात हो जाती है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की ऊपर यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और नीचे ये पूरी लेन इन्होंने बनाई हुई है ये पूरी स्ट्रीट है यहाँ पर लाइन में सारे बार्स पब्स और रेस्टोरेंट्स हैं एज यू कैन सी सब इंजॉय कर रहे हैं मैं आपको बता ही रहा था यहाँ पर हर टाइम शाम को खाने के साथ बियर जरूर पीते हैं दिस इज द रेस्टोरेंट एंड हम बाहर बैठ के खाएंगे लेट मी गो एंड ऑर्डर व्हिच वन डू यू नीड आई वांट मार्गरिटा बट इंस्टेड ऑफ मोज़ारेला आई वांट बुराता Burrata? Because there is this one pizza with burrata, but that one is like on a different base, so I don't want that one. Okay, so you want tomato base with burrata? Yeah. Okay, all right, I'll go and order. पूरी स्ट्रीट बिल्कुल पैक्ड है एक एक टेबल भरी हुई है इस वक्त इतने लोग बाहर जा रहे हैं एंड आज मंडे है आज कोई भी वीकेंड नहीं है तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ है This is so weird, right? It's Monday and still there are so many people. Yeah, because everyone was waiting for this, for everything to open. Yeah. Like, Finally, it seems that everything is back. We were thirsty of going to the restaurant. Yeah. Beer for you. Which one is it? Budweiser. How is it? It's light. Yeah. Italian pizza hamesha wood-fired oven mein banta hai, as you can see. And bilkul fresh pizza bahar aata hai yahan par. Yours. Look at this burrata. Wow. Close up on the burrata. Okay. Look how beautiful it is. Wow. So ये होती है burrata चीज़ जिसके बारे में आपको बता रहा था. Creamy fresh mozzarella. Tell me how is it? Okay. Wow. It's good, right? Heavenly? No words. Oh man. तो पिज़्ज़ा खा के अब हम वापस जा रहे हैं घर आई रियली रियली होप यू enjoyed दिस डेली काइंड ऑफ vlog. अब नेक्स्ट वीडियो से पेरिस सीरीज स्टार्ट होगी तो आई कैन गारंटी यू दैट दैट विल बी एब्सोल्युटली एपिक बहुत ही सिनेमैटिक व्लॉग्स आने वाले हैं पेरिस के इंक्लूडिंग द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो सो स्टे ट्यून्ड फॉर पेरिस सीरीज एंड अभी के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो